मोहनगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम चंदोखा में दबंगों ने पाल समाज के लोगों के साथ मारपीट कर दी, जिसमें राजा राम पाल की मौके पर ही मौत हो गई। करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया। बताया गया कि ग्राम चना खाना गांव के कुछ दबंग लोगों ने पाल समाज की एक महिला के साथ छेड़छाड़ की और धर्मेंद्र बुंदेला, मुन्नी बुंदेला, कल्याण बुंदेला, रब्बू बुंदेला, गोलू बुंदेला, बड़े राजा ने रास्ते में रोककर एक दर्जन महिला और पुरुषों से लाठी और लोहे की राड से मारपीट कर दी, जिसमें पीड़ित परिवार के एक सदस्य राजा रामपाल की मौके पर ही मौत हो गई। बीच बचाव में करीब आधा दर्जन लोगों को गंभीर चोट आई, जिन्हें पुलिस की मदद से जिला चिकित्सालय पहुँचाया गया, जहाँ उनका उपचार जारी है एवं मृतक का शव पोस्टमार्टम के पश्चात परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। टीकमगढ़ से मनोज खरे की रिपोर्ट। फिर इसके बाद में हमको माने हमको पता चलो हम उनके चाचा यहाँ हमको पता चलो तो हम गए बचाने के लिए, तो साहब हमको भी मारा उनने बहुत ज़्यादा। कितने लोगों को मारा है? ऐसे हमको लगभग मारा है कम से कम 5-7 लोग, 7-8 पाँच एक लोगों हमको। अच्छा, कौन कौन ने मारा? जे हैं सर मुन्नी, धर्मेंद्र, कल्लू, गोलू और विराट और रब्बू और कल्लू राजू और चलो ठीक है। मृत्यु किसकी हुई है? राजा राम की मृत्यु हुई। कहाँ की हो? राम चंदौखा। राम दिन बताएं जो आज विवाद हुआ। हाँ, किस बात को लेकर विवाद हुआ? अरे छोटा सा विवाद वो हुआ है, हमारी बहू थी भतीज बहू, और उसका उसको धर्मेंद्र सिंह राजा ने छेड़छाड़ की, तो उन्होंने रोक धड़ी करी है हमारे राजा राम भतीजा ने। सो उसको मैंने उनको गाय गलोच किया है। सो राजा ने कहा है कि राजा जी सुबह बात नहीं देते अच्छी रहो, सो उनको मारा है, गाली गलोच की है सुबह माने कल की बात आए जा। फिर जा हो गई, फिर इसके बाद शाम सुबह हुआ, शाम की बात है जा, और फिर सुबह हुआ जो जा रहे थे अपने काम को, पहाड़ पर काम कर रहे थे, तो वहाँ गए सुगेल में जो ठाकुर लोग जुड़ जुड़ गए उनको पकड़ लिया के लिखो पकड़ के जी ले गए खींच के, उसको मारा है जो जान से मार दिया है। किन लोगों ने मारा? जैन ने मार दिया है। उसमें को है मुन्नी राजा हैं, धर्मेंद्र राजा हैं, कल्याण सिंह राजा हैं, रब्बू राजा हैं, राजू राजा हैं, इन लोगों ने मारे। और अन्यथा लोग हैं और गल ये तो जो 4-5 लोग तो जो अन्यथा इतने ही हैं। कितने लोग घायल हो गए? लोग हो गए हमारे 4 लोग घायल हुए। खत्म कौन हो गया? खत्म राजा राम पाल हो गया। इन लोगों ने मारपीट की? इसने लाठी डंडों से मारी है, माने धूम घसीट घसीट के मारा है। संरक्षण है क्या किसी का? क्या करते हैं को? दबंग है ये लोग? दबंग है जी लोग, बहुत दबंग है जी। हम जीना उस पर रहा है साहब, हमको आज से नहीं बहुत दिन से, हमारी कभी यहाँ से लेके कहीं फाल देख सकते कभी रिपोर्ट नहीं गई है हमारी कहीं नहीं। ये जे लोग इतने दापते हम लोग अनखो के अगर रिपोर्ट खूंगा तो गेल में लौटा लेते हैं, मार पीट लेते हैं, समझा लेते हैं। हर पाल समाज भी पूरी परेशान है इससे। किन लोगों का संरक्षण? इनका, इन ठाकुर लोगों का। और कहते हैं कि हमास बे है और जे है दुनिया की। मामला आया मारपीट का, इसमें कितने लोग घायल हैं और कितने की मौत हुई? आज सुबह 3 लोग आए थे थाना मोहनगढ़ से, जिसमें एक राजा राम पाल है 28 वर्ष का, वो मृत अवस्था में लेके आए थे। मारपीट होना बताया गया था, साथ में उसकी माँ थी राजबाई पाल और उसके चाचा थे हरी राम पाल। तो राजबाई पाल और हरी राम पाल ठीक हैं, पर ये और एक एक उसमें ख़त्म हो गया है। सर क्या चोट कहाँ लगी है? किसने पकड़ा आपको? चोट इनको एक गणेशा पाल भी बाद में आया है, तो गणेशा पाल, राजबाई पाल और हरिराम पाल इनको साधारण चोटें हैं। हाँ, और मृतक की अभी पीएम के लिए भेज दिया गया है। ग्राम चंदोखा थाना मोहनगढ़ अंतर्गत सुबह प्रातः कोई घटना हुई थी, जिसके संबंध में यहाँ पे परिजन आए हुए थे और साथ में मतलब वो उसको भी लाए थे जो घायल थे। तो यहाँ पे तत्काल में यहाँ पे कार्रवाई की गई, चौकी में तुरंत ही कार्रवाई करके यहाँ पे मुझे कॉल आया, मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ और साथ ही यहाँ पे परिजनों से बातचीत की गई। यहाँ पे एक व्यक्ति के जो चोटिल था उसकी मृत्यु हो चुकी थी, उसका पीएम कराया गया है और साकुशल उनको भेजा जा रहा है। थाना मोहनगढ़ टीम द्वारा लगातार प्रयास करके गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। सर घटनाक्रम क्या हुआ था कुछ परिजनों ने बताया? परिजनों द्वारा अभी फिलहाल इतनी जानकारी दी गई है कि वहाँ के बुंदेला समाज के कुछ व्यक्तियों ने इनके साथ में मारपीट की है और उसमें इन लोगों को चोटें आई हैं, और बाकी जांच कार्रवाई की जा रही है थाना मोहनगढ़ द्वारा।
और जल्दी उनको गिरफ्तार करके न्यायालय की कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।